रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है जो कि सूबह पंजाब के खिताब पोठोहार में वाक़ है और पाकिस्तान के दार खिलाफा इस्लामाबाद के साथ होने की वजह से इसे जुड़वां शहर का दर्जा भी हासिल है। रावलपिंडी का कुल रकबा तकरीबन 108.8 मरबा किलोमीटर है और कुल आबादी तकरीबन 5.4 मिलियन है। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की इमारत का बाकायदा कायम सन 1998 में हुआ। यहाँ पर मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज जैसे कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग, मौसीकी, फैशन डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, ब्यूटिशन, फाइबर ग्लास, सिलाई कढ़ाई वगैरह कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक बड़ा ऑडिटोरियम हॉल जिसमें 600 अफराद के बैठने की जगह है मौजूद है। हवेली सुजान सिंह 1893 में तामीर हुई। ये हवेली फन तामीर का एक अजीम शाहकार है और एक तारीखी विरसा है। राय बहादुर सरदार सुजान सिंह रई से रावलपिंडी का शुमार अमीर तरीन शख्सियात में होता था। और अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया। अंग्रेजों के साथ इनका लकड़ी का लेन देन का कारोबार था, इसी वजह से इनका शुमार रावलपिंडी के अमीर तरीन सरदारों में होता था। मरकजी जामे मस्जिद का संगे बुनियाद 1896 में पीर मेहर अली शाह साहब और पीर साहब मेरा शरीफ ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। इसकी तामीर का काम 1902 में मुकम्मल हुआ। जब इसका संगे बुनियाद रखा गया तो इस वक्त पंजाब के अंदर सिखों की हुकूमत थी। मस्जिद का कुल रकबा 17 कनाल है। मस्जिद का नक्शा मस्जिद अक्सा की तर्ज पर बना हुआ है। मस्जिद में एक साथ तकरीबन 10,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। नेशनल पार्क 1958 में तामीर हुआ।
1999 में जब आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन वजूद में आई तो ये पार्क इसका हिस्सा बन गया। पार्क का कुल रकबा 313 एकड़ है। ये पार्क फैमिलीज के लिए एक मुकम्मल तफरीगाह है। इसके अलावा पार्क में मुख्तलिफ खेलों के मैदान जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह भी मौजूद हैं। बच्चों के लिए मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी तर्ज के झूले मौजूद हैं। तफरीही मकामात के साथ खाने पीने के लिए फूड स्ट्रीट भी मौजूद है।